A very warm welcome to all the aspirant of Library and Information Science। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLIS, CLIS, MLIS कर चुके हैं या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 11 ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये जो यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन जो है आपको इसमें से ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और डेवलपमेंट जो है ये पार्ट है यूनिट 3 का, लास्ट यूनिट है ये, और ये पार्ट है MLI 102 का। तो इसको पढ़ने के बाद हमें क्या क्या सारी जो चीज़ें हैं वो जानने को मिलेगा, ये हमें ऑब्जेक्टिव से पता चलता है। तो हर जो चैप्टर में हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो इसमें भी हम पढ़ेंगे। तो है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रीहेंस द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स जो है इसकी वैल्यू हम समझ पाएंगे और मैनेजमेंट में डिफ़ाइन कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। फिर डिस्क्राइब करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो लेवल ऑफ जो अप्रोचेस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। फिर यहाँ पे नीड एंड पर्पस क्या है ह्यूमन रिसोर्स जो प्लानिंग है उसकी, और डिस्क्राइब करेंगे डिफरेंट जो एस्पेक्ट है, टेक्निक है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। अटेम्प्ट प्लानिंग फॉर HR फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। फिर उसके बाद जो फैक्ट्स हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ये देखेंगे, परसीव कर पाएंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन परसेप्टिव इन द इंडियन जो कॉन्टेक्स्ट है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स कंस्टिट्यूट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द वैल्यूएबल रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूएबल रिसोर्स होती है वो है ह्यूमन रिसोर्स, जो कि फर्दर जो उसके सक्सेस एंड फेलियर पे मतलब निर्भर रहती है, इसी के जो ह्यूमन रिसोर्स पे निर्भर रहती है। बेस्ड ऑन द बिलीफ डैट एम्प्लॉयज़ कमिटमेंट टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका कमिटमेंट कैसे है ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करने का, उसके ऊपर ज़्यादातर इनका फोकस होता है। इज़ अ फंडामेंटल प्रिक्विजिशन टू organizational success. Such commitment can be ensured only if action toward personal are taken with a higher degree of integrity and respect. यहाँ पे मतलब बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहा है कि यहाँ पे प्लानिंग और सारी जो एम्प्लॉयज़ का चीज़ें हैं ये कैसे मतलब इसमें कार्य करती हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधे चलते हैं नेक्स्ट पे, एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन भी हालांकि इम्पॉर्टेंट नहीं है बट देख लेते हैं एप्लीकेशन में क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट है प्रोग्राम आर टू बिल्ड ह्यूमन कॉम्पिटेंस टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट। एक ह्यूमन कॉम्पिटेंस बनाना, एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करना, environment, climate and to improve employees satisfaction to with work। मतलब employees का satisfaction हो सके work के साथ, तभी वो human resource planning का एक मतलब अहम रोल बन पाएंगे। In other word, human resource management aim to build up competency development इसमें create करना in the employees के अंदर, क्रिएट करना अ वर्क कल्चर एंड इंट्रोड्यूस करना इनोवेटिव डेवलपमेंट। उसके बाद यहाँ पे है अ गुड नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल जो एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया में हैव HRD डेवलपमेंट एंड स्पेशलाइजेशन जो माइनिंग है उनके अंदर। इन अदर वर्ड, इन अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द रोल इज़ परफॉर्म्ड बाय जो चीफ पर्सनल होते हैं उनके द्वारा। जो HRD होते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उनकी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है किसी भी फील्ड में। लाइब्रेरी की बात करें तो इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर स्पेशली इन इंडिया की बात करें, दीज कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आर येट टू जो पेनिट्रेटेड लार्जली बिकॉज नो सच थिंकिंग हैज़ येट स्टार्टेड इन देयर रिस्पेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन जो एचआरडी होते हैं इनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में एंड मैनी अदर थिंग। अब आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एक्सप्रेशन सच एज प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट आर यूज बाय डिफरेंट राइटर्स टू डिस्क्राइब। तो डिफरेंट राइटर के द्वारा यूज़ किया गया, डिस्क्राइब किया गया यूनिट है, डिपार्टमेंट है और ग्रुप है। कंसर्न विद पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भी पीपल उसमें कार्य कर रहे होते हैं उन्हीं का मतलब ज़्यादातर कंसर्न होता है उन्हीं के ऊपर, क्योंकि उन्हीं को मैनेज करना होता है हर चीज़ में। द टर्म थ्रू दीज दोज में मैनी पीपल स्टिल प्रेफर इंस्टेड ऑफ मैनेजमेंट। द मोर मॉडर्न एंड एक्सेप्टेड जो एक्सप्रेशन है हाउएवर सीम्स टू बी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेड जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। द फॉर्मल डेफिनेशन बोले यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इज़ डैट इट इज़ द फंक्शन परफॉर्म्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक फंक्शन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किया जाता है डैट फैसिलिटेट द मोर इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ एम्प्लॉय, ताकि जितने एम्प्लॉय हैं उनको अच्छे से, मतलब अच्छे तरीके से उनका यूज़ हो, अच्छे तरीके से इन द सेंस कि वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट में कार्य कर सके, उनको सेटिस्फेक्शन मिले और वो मतलब पॉजिटिव माइंडसेट की तरह आगे बढ़े कार्य, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल अचीवमेंट गोल में। तो इसमें जो कुछ HRM जो है कंप्राइज अ नंबर ऑफ एक्टिविटी डैट इंक्लूड, लाइक कुछ एक्टिविटी है इन्होंने दिया हुआ है जैसे कि इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम, मतलब हर किसी को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिले एम्प्लॉयमेंट में। फिर टास्क एनालिसिस हो गया, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एम्प्लॉयज़ रिक्रूटमेंट, सेलेक्शन एंड ओरिएंटेड, करियर डेवलपमेंट एंड काउंसलिंग, कंपनसेशन एंड बेनिफिट, सेफ्टी एंड हेल्थ, लेबर रिलेशन हो गया, डिसिप्लिन कंट्रोल एंड इवेल्युएशन ऑफ पर्सनल फंक्शन, वर्क जो शेड्यूल है, क्वालिटी ऑफ वर्क, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। अगर ये सारी चीज़ें अच्छी हैं तो इसका मतलब जो है ह्यूमन रिसोर्स जो प्लानिंग है वो अच्छा है और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका जो आउटकम होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन है वो सेटिस्फाई है विद देयर वर्क। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है उनका। 3 एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आर यूजुअली स्ट्रेस्ड as being fundamental to these thinking. They are human resource management should be action oriented होता है, दूसरा होता है individual oriented और तीसरा होता है future oriented। तो सबसे पहला action oriented, effective HRM focus on action। तो जितना भी effective HRM होते हैं वो action की तरफ फोकस करते हैं rather than रिकॉर्ड कीपिंग पे नहीं ध्यान देते, वो एक्शन पे ध्यान देते हैं। रिटर्न प्रोसीजर और जो रूल होते हैं इस पे सर्टनली HRM यूज़ रूल्स, रिकॉर्ड एंड पॉलिसीज बट इट्स स्ट्रेस एक्शन। जो इंडिविजुअल ओरिएंटेड होते हैं उसमें क्या होता है, व्हेनेवर पॉसिबल HRM ट्रीट ईच एम्प्लॉयज़ एज एन इंडिविजुअल, वो हर एम्प्लॉयज़ को एज ए इंडिविजुअल ट्रीट करते हैं। एंड ऑफर सर्विसेज एंड प्रोग्राम टू मीट द इंडिविजुअल नीड्स, तो ताकि जो भी सर्विसेज एंड प्रोग्राम होते हैं वो इंडिविजुअल नीड को फुलफ़िल कर सके। फिर फ्यूचर ओरिएंटेड में क्या होता है, इफ़ेक्टिव HRM इज़ कंसर्न विद हेल्पिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव इन द फ्यूचर बाय प्रोवाइडिंग फॉर कॉम्पिटेंट, मतलब फ्यूचर को ध्यान में रख के वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे ट्रेन किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ माइक्रो एंड मैक्रो अप्रोचेस भी हैं, तो इसको भी देखते हैं। द सिस्टम अप्रोच इज़ अप्लाइड टू HRM। इफ़ेक्टिव HRM कैन बी प्लान एंड एग्जीक्यूटेड एट, जो इफ़ेक्टिव HRM होते हैं वो प्लान किए जाते हैं और एग्जीक्यूट किए जाते हैं। मैक्रो एंड माइक्रो जो लेवल होते हैं उनके बेसिस पे। तो सबसे पहला है मैक्रो अप्रोचेस। द मैक्रो अप्रोच टू HRM रेफर्स टू ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, ह्यूमन रिसोर्स को प्लान करना, फोरकास्ट करना। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्लान पॉलिसी, कुछ स्पेसिफिक प्लान और पॉलिसी में, स्ट्रेटजीज में और एक्शन में। the recruitment, development and utilization of human resource inevitably depend upon these activity. वो मतलब इन्हीं activities पे depend करते हैं. The micro approaches of HRM is therefore largely defined to confined to defining objective of the ऑर्गेनाइजेशन. मतलब किसी डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब उनका एक लिमिट है, उसी के अंदर में जो सारी चीज़ें होती है वो कर रहे होते हैं, मतलब हो रहा होता है. जो पॉलिसी है, प्लान है, लाइक प्रिपेयरिंग पॉलिसी गाइडलाइन हो गया, इवॉल्विंग प्रैग्मेटिक हो गया, प्लान हो गया, स्ट्रेटजी हो गया, establishing appropriate procedure हो गया and many other thing. The overall benefit of this approach is that it would ensure जो professionalization हो गया, personal involvement work से related हो गया, enhancement of work skill, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं. The micro approach to human resource management encourages organization to plan for their future स्टफिंग स्ट्रक्चर, मतलब उनके फ्यूचर स्टफिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्लान एंड मैनेज करें चीज़ों को लेके, एंड टू टेक इनटू अकाउंट चेंज इन सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी, ताकि मतलब जैसे कि नए नए जो टेक्नोलॉजी है, सर्विसेज है, उसको इंट्रोड्यूस करना, ताकि एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन जो है वो अच्छे से होता रहे. फिर आता है माइक्रो अप्रोचेस. while the macro approaches lie the direction in which the organization should move, किस डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन मूव करेगा, वो माइक्रो ऑपरेशन का अप्रोचेस का मतलब था. यहाँ पे द माइक्रो अप्रोचेस टेक केयर टू इम्प्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट द एक्टिविटी एंड प्रोग्राम टू अचीव द टारगेट. इसमें होता है कि जो भी मतलब प्रोग्राम एंड पॉलिसी होती है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि टारगेट को अचीव किया जा सके, ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स को अचीव किया जा सके. एग्जीक्यूटिंग एज पार्ट ऑफ द ऑपरेशन प्लानिंग, इट हैंडल पर्सनल रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन हो गया, प्लेसमेंट हो गया एंड मैनी अदर थिंग्स. उसके बाद आता है जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर शॉर्ट नोट आते हैं, तो इसको आप एक बार अच्छे से समझ लें. इसको हालांकि हमने बताया भी है, बट फिर भी एक बार और इसको समझा रहे हैं आपको. तो जॉब एनालिसिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन. स्टडी करना, कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑपरेशन एंड रिलेशनशिप, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड. इट इज़ अ फंडामेंटल टू द प्रिपरेशन ऑफ जॉब स्पेसिफिक एंड जॉब डिस्क्रिप्शन. जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ अ फैक्चुअल स्टेटमेंट होता है ऑफ द ड्यूटी, मतलब क्या आपकी ड्यूटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक जॉब. दीज यूजुअली इंक्लूड जॉब आइडेंटिफिकेशन हो गया, जॉब समरी हो गया, ड्यूटी टू बी परफॉर्म. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप लाइब्रेरी में एज अ लाइब्रेरियन की पद पे जाते हैं तो आपको पूरा बताया जाता है कि आपका मतलब जॉब आइडेंटिफिकेशन कराया, इंट्रोड्यूस कराया जाता है जॉब से, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जॉब से रिलेटेड, ताकि आपको उसमें मतलब एक तरह से फिट एनवायरनमेंट में आप उस चीज़ों को समझ पाएँ. वेयर एज जॉब डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द जॉब, जॉब स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब द डिज़ायर एट्रीब्यूट्स. तो जॉब जो डिस्क्रिप्शन होता है वो जॉब को मतलब बताता है, जॉब स्पेसिफिकेशन होता है डिस्क्राइब करता है डिज़ायर एट्रीब्यूट्स ऑफ द पर्सन डूइंग द जॉब, जो वो कार्य को कर रहे हैं. इट इज़ अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है ऑफ द मिनिमम एक्सेप्टेंस ह्यूमन क्वालिटी, जिसमें कम से कम ह्यूमन एक्सेप्टेंट क्वालिटी देखने को मिलती है. जॉब स्पेसिफिकेशन जनरली इंक्लूड द फॉलोइंग एस्पेक्ट, तो इसमें कुछ एस्पेक्ट है जो कि जॉब जो स्पेसिफिकेशन है उसमें होता है, जैसे इंफॉर्मेशन इनपुट टू द पोजीशन, इंफॉर्मेशन इनपुट टू द पोजीशन, मेंटल प्रोसेस रिक्वायर्ड, वर्क जो वर्क आउटपुट होता है, रिलेशनशिप हो गया, अदर जॉब हो गया, जॉब कंटेंट हो गया, जॉब कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये सारी चीज़ इसमें आती है. जॉब स्पेसिफिकेशन शुड बी यूज्ड एज अ गाइडलाइन, एक तरह से गाइडलाइन की तरह यूज़ किया जाता है टू नो नॉलेज, ताकि नॉलेज के बारे में जान सके, स्किल, एप्टीट्यूड, बहुत सारी चीज़ें. Job analysis, job description and job specification together form the basic of recruitment, जो recruitment बनाता है selection and placement of person in organization, जहाँ पे selection होता है, placement कराया जाता है organization में। Personal recruitment, इसमें क्या होता है, in building human resource there are two potential source for prospective candidates for a position like internal and external. Filling a position by a suitable internal candidate, जब कोई position fill किया जाता है suitable internal candidate के द्वारा, has the advantage for increasing the greater level of morals of the staff. Indeed, it is reward mechanism for good work and therefore may stimulate other to generate achievement. अब यहाँ पे environment analysis, ये एक्चुअली ना यहाँ पे बताया गया है माइक्रो अप्रोचेस टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है कि सबसे पहले एनवायरमेंटल एनालिसिस होता है, फिर रिसोर्स टू गैदर डेटा, फिर जो हम डेटा मतलब गैदर कर लेते हैं तो इसको व्हाट मैन पावर डू वी नीड, किस तरीके के मतलब व्यक्ति हमें चाहिए, एंड व्हाट इज़ मैन पावर एबिलिटी लाइक इंटरनल एंड एक्सटर्नल, उनकी क्या एबिलिटी है ये भी देखी जाती है। डू वी गेट अ मैच, तब हम देखते हैं कि क्या हमें मैच मिल गया, अगर मैच हो गया तो हाउ वेल द रिसोर्स मैनेज, फिर उसके बाद एक्सेस होता है, फिर यहाँ पे डिफेक्ट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड यहाँ पे डायग्राम है ये बता रहा है द माइक्रो अप्रोचेस टू ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इसमें भी सेम सा है, जॉब एनालिसिस होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन जो ऊपर हमने पढ़ा, और फर्दर लास्ट में सेपरेशन होता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये सारी जो चीज़ें हैं समझ में आई होंगी। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो होगा हमारा व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, और ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।